हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुए बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होगा ये नथिंग का TWS। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ ये मोस्ट हाइप्ड TWS के बारे में। अब 6,000 रुपये में इनमें क्या है खास वो मैं आपको बताऊंगा और हाइप को बिल्कुल साइड में रख के बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ये नए नवेले बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग TWS की। अब पहली बार 6,000 का ये पहला TWS मैंने देखा है जिसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट केस मिलता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई हमने डिज़ाइन इतना अच्छा किया है कि उसको दिखना चाहिए, मतलब हर किसी की निगाह जाए तो आप अपने TWS को बाहर से भी देख पाएं, ऐसा कहा है OnePlus ने, तो वो एक अच्छी बात है। और अगेन लुक एंड फील में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं ये। केस जरूर प्लास्टिक का है बट इट इज अ वेरी फाइन क्वालिटी प्लास्टिक, हालांकि उस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। दोस्तों, बैक साइड पे आप बॉटम पे देख सकते हैं कि कुछ स्क्रैचेस जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही साथ मेटल का भरपूर यूज किया गया है और वो भी प्रीमियम ग्रेड एल्युमिनियम का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं हिंज जो है मेटल की है और यहां पे फ्रंट में मैग्नेट है लेकिन उसके ऊपर एक एल शेप का मेटल कवर है अगर आप उसे ध्यान से देखें, और वहां पे छोटा सा सीरियल नंबर भी लिखा गया है और इसको यहां इसीलिए लिखा गया है ताकि केस की सुंदरता पे कहीं कोई आंच ना आ जाए, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहां डेफिनेटली डिजाइन पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और जो यहां पे पार्ट्स हैं ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर आपको मार्किंग दिखती है, एक पे आपको रेड बना हुआ दिखता है, एक पे आपको व्हाइट बना हुआ दिखता है, और ये इसीलिए है ताकि केस के अंदर जब आप इनको लगाएं तो रेड वाले से रेड को मैच कर दें और व्हाइट वाला अपने आप, मतलब दूसरा व्हाइट ही तो होगा, दो ही तो हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके स्टेम की बात करें तो ये जो स्टेम है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाई है। हालांकि शुरुआत में इन्होंने कहा था पूरे TWS ही जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। ये वाला पार्ट जो है व्हाइट पार्ट है और इधर जो है आप ऑलमोस्ट अगर क्लोजली देखेंगे तो TWS का जो सर्किट कॉम्पोनेंट है, जो मैग्नेट्स है जिससे वो चार्ज होते हैं, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगेन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इस तरह से जब मैं इनको पहन लेता हूँ तो लंबे समय तक बहुत ही कंफर्टेबल फिट जो है यहाँ पे मुझे मिलता है। और अगेन जहाँ तक बात रहे ईयर टिप्स की तो वो आपको लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज में मिल जाते हैं। ये स्मॉल है बट अगेन यू कैन गो फॉर एनी साइज जो कि आपके हिसाब से आपको सूट करे। यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है जो कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन है और कमाल की बात है वो बहुत ही अच्छे से काम भी करता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी LED लाइट मिलती है केस के अंदर, और केस के अंदर जो बैटरी है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसकी ऐप के थ्रू मिल जाती है। और एक और बात, इसको अगर आप चाहें तो बिना ऐप के भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फोन के साथ सीधा ब्लूटूथ जो है पेयर कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ पेयरिंग करते समय या फिर अगर आपको कोई अपडेट करना है या ऐप के थ्रू कोई फीचर्स को मॉडिफाई करना है तो अगर आपने TWS पहने हुए हैं तो ठीक है, अगर पहने हुए नहीं है तो केस खुला होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही केस बंद होता है ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप ना तो अपडेट कर पाएंगे अपने फोन से और ना ही कोई फीचर को कंट्रोल कर पाएंगे, तो केस हैज टू बी ओपन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगेन वायरलेस चार्जिंग के आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट जो है बने हैं, वायरलेस चार्जिंग भी इसमें होती है, तो यहाँ पे LED लाइट जो है रेड जल जाती है जब चार्जिंग हो रहा होता है और व्हाइट तब आती है जब आप इसको पेयर करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हमने अनबॉक्सिंग यहाँ पे नहीं की है क्योंकि अनबॉक्सिंग आपने ऑलरेडी देख ली होगी। एक और अच्छी बात इन्होंने ध्यान रखा है कि भाई केबल का भी लुक एंड फील पे इन्होंने ध्यान दिया है। ये एक ब्रेडेड केबल है जिसके अंदर जो ब्रेडिंग है वो बेसिकली केबल का प्रोटेक्टेड है बिकॉज देयर इज अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर ऑन टॉप ऑफ इट, और एक USB-A to USB-C केबल मिल रही है जिससे आप इनको चार्ज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के मामले में सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो उसका केस हो, चाहे उसकी केबल हो या फिर उसके ईयर टिप्स हो। दोस्तों, बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप TWS लेते हैं तो आप गाने वगैरह सुनना चाहते हैं या फिर कॉल्स वगैरह उनसे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनकी ऑडियो क्वालिटी इनकी प्राइस के हिसाब से नॉट ओनली गुड बट ग्रेट है। अब ग्रेट मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑडियो की जो क्वालिटी है उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आप इसको हाई बेस पे कर सकते हैं या फिर ट्रेबल पे कर सकते हैं, बैलेंस पे कर सकते हैं या वॉइस मोड पे भी कर सकते हैं, जिससे आप साउंड क्वालिटी आप मैनेज भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साउंड आपको मिल जाती है। अब बढ़िया का मतलब क्या है, इस प्राइस
पॉइंट पे बाकी और TWS जो देखिए उनसे तो बेहतर ही है डेफिनेटली, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है मैं कह सकता हूँ साउंड क्वालिटी, और अगेन कंफर्ट अच्छा है, फिट अच्छा है, तो उस वजह से आप ज़्यादा लंबे समय तक इनको यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो केस है इनके TWS को 6 बार चार्ज कर सकता है, और जब से हमने इसे यूज़ करना शुरू किया है आई थिंक 1 हफ्ते के अराउंड हो गया है और अभी तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बैटरी जो बात करें अगर केस की तो 570 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल जाती है, और अगेन बैटरी लेवल आप देख सकते हैं ऐप के अंदर हम आपको दिखा दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐप के अंदर आपको और कंट्रोल्स भी मिलते हैं, डबल टैप अगर जो है इसके अंदर दोनों तरफ काम करता है TWS में डबल टैप, जिससे आप पॉज कर सकते हैं म्यूजिक को, और इसी के साथ ट्रिपल टैप से आप प्रीवियस और नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हैं। सारे ही टच वाले फीचर्स जो हैं आपके लेफ्ट वाले पे भी काम करते हैं और राइट वाले पे भी काम करते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं ऐसे स्वाइप डाउन एंड स्वाइप अप करके। ऑडियो कोडेक की बात करें तो यहाँ पे आपके 2 ऑडियो कोडेक सपोर्टेड हैं, पहला है यहाँ पे SBC जो कि नॉर्मल वाला है, और AAC जो कि एप्पल में यूज होता है उसका सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, तो इन दोनों ऑडियो कोडेक का सपोर्टेड है। और अगेन साउंड क्वालिटी जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया है, और बैकअप अभी तक हमें तो काफ़ी अच्छा मिला है। दोस्तों बात करते हैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की, तो यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिलता है जो कि AI पावर्ड है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट को स्टडी करता है और जो साउंड वगैरह है उसको कैंसिल आउट करता है। इसमें आपको 3 माइक मिल जाते हैं जो कि एक तरह से रोल प्ले करते हैं आपका ऑडियो पहुंचाने के लिए और साथ साथ नॉइज कैंसिलेशन के लिए। तो अगेन जैसे आपने इनको इस तरह से लगा रखा है तो अगर आप टैप एंड होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म तक तो आप जो है नॉइज कैंसिलेशन के 3 मोड्स में स्विच कर सकते हैं। एक तो ऑफ है जिसके अंदर आपको सब कुछ सुनाई देगा आपके आसपास वाला, फिर आपका ट्रांसपेरेंसी मोड है जिसके अंदर आप गाना सुनेंगे लेकिन साथ साथ आपका जो एनवायरनमेंट है कोई आपको कुछ कह रहा है कुछ बता रहा है तो वो भी आपको थोड़ा बेहतर सुनाई देगा, और अगर हम उसको 3rd लेवल पे ले जाते हैं तो इवन पंखे की आवाज़ भी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाती है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन काम करता है। और एक और बात, अगर आप कुछ भी गाना सुन रहे हैं और एकदम से इनको हटा देते हैं तो वो म्यूजिक जो है पॉज हो जाएगा। दोस्तों फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं इतना बताना चाहूंगा कि इनके अंदर आपको IPX4 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग भी मिल जाती है, तो आप अगर वर्कआउट करते समय इनको यूज करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, पसीने वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन दूं तो 6,000 रुपए के हिसाब से डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, इवन वैल्यू फॉर मनी से थोड़ा ज्यादा कहूंगा मैं डिजाइन के हिसाब से। अगर मैं बात कर रहा हूँ साउंड क्वालिटी तो गुड है, और इवन गुड भी नहीं ग्रेट कहूंगा, तो साउंड क्वालिटी ग्रेट है, डिजाइन वाइज लुक एंड फील वाइज काफी अच्छे हैं, और अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं अगर आपको ये मिल जाए तो, क्योंकि इनकी हाइप इतनी ज्यादा है कि शायद आप इनको खरीदने जाएंगे तो शायद आपको ये ना मिले। और दोस्तों इन TWS की सेल आ रही है 17 अगस्त को, तो 17 अगस्त को जाके आप इनको खरीद सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास यूनिट है हम इसको और यूज़ करेंगे, इसके बारे में और पता करेंगे, और कुछ बग्स वगैरह होंगे कोई चीज़ होगी जो आपको बतानी चाहिए वो बताते रहेंगे। आप उसके लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।